Okay, fine, fine. Hey, किसे पूछकर सुबह तुमने कॉलेज 6 बजे स्टार्ट किया? Stop it. हाँ? I am the principal of this college. After all, you are a student. तुम्हें किसने अंदर आने की परमिशन दी यहाँ पे? What? मेरे ही कॉलेज में मुझे आने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी होगी? सर सर सर, मेरे परमिशन के बगैर ये अंदर आइए। इससे आप क्या बात कर रहे हैं? इसे बाहर भेजिए सर। You idiot! Hey! साल में एक बार कॉलेज मैनेजमेंट चेंज होता रहता है। दानी लोग किसी को भी गोद ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्या इसे तुमने अपनी लाइफ टाइम प्रॉपर्टी समझ रखी है? आज से इस कॉलेज के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। नो, नो, नो! एक महान दानी ने इस कॉलेज को एडॉप्ट कर लिया है। कौन? Who is he? राजा युवराज शिवराज, सन ऑफ रणधीर कट्टी फ्रॉम लंदन। दोस्तों, कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, लेकिन हमेशा भारतीय बनकर रहो। मेरे डैडी लंदन में रहकर भी हर दिन और हर पल मुझसे ऐसा कहते हैं। उन्होंने तो सिर्फ तीसरी कक्षा तक ही पढ़ाई की थी, कारण गरीबी था, और वो गरीबी पढ़ाई के बीच में ना आया, उस उद्देश्य को लेकर इस कॉलेज को गोद लेने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। मैं भी आप लोगों में ही रहना पसंद करूंगा। सभी को ठीक से पढ़ाई करके विश्व में भारत का नाम रोशन करना है, ये मेरे डैडी की इच्छा है। गुरु की इज्जत करनी चाहिए, उनसे विद्या प्राप्त करनी चाहिए, तभी विद्यार्थी का जीवन सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत। इस कॉलेज में आपकी वजह से जान आ गई है सर। कौन है ये? इस कॉलेज की एक्स ट्रस्टी। ये है डिजास्टर। एक्सक्यूज मी, आई विल जस्ट गो अराउंड द कॉलेज एंड कम। यस सर। ओके, चलो। सर, बेल बजाओ क्या? हेलो, रातों रात मेरे कॉलेज को ऐसे अडॉप्ट करके जो लोग हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते थे, मेरी बात को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर समझकर फॉलो करते थे, उन सबको तुमने मेरे अगेंस्ट कर दिया है। ये सब करके तुमने मेरा अपमान किया है। मेरे बारे में तुम नहीं जानते, मेरा बैकग्राउंड क्या है तुम्हें नहीं पता। आखिर मुझे समझ क्या रखा है तुमने? इस कॉलेज की रानी हूँ मैं, डॉटर ऑफ मालिनी देवी, अमृत महल, उर्वशी निल्या, रंभापुर, पिन कोड 561234। वेट 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 वेट, हे, तुम कौन हो ये बताने के लिए तुम्हारी मम्मी का नाम, गांव का नाम, घर का नाम, पिन कोड भी तुम्हें बताना पड़ रहा है, लेकिन मैं कौन हूँ और क्या हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इनसे ही पूछ लो। हाँ, तुम्हारी कितनी भी पॉपुलैरिटी हो, पर मेरी पर्सनालिटी के सामने तुम कुछ नहीं। जब ये रानी चलती है ना, पूरा कॉलेज इसके पीछे पीछे आता है। मेरे स्टाइल पर लोग मरते हैं, लोगों की नींद हराम हो जाती है, नींद में भी करवटें बदलते हैं, और जब मैं रोड पर आती हूँ ना, तब ट्रैफिक जाम। तुम क्या बीट कांस्टेबल हो? नहीं, बी फॉर ब्यूटी, स्वीटी की ब्यूटी, मैं हूँ सो क्यूटी, ब्यूटी क्वीन। इस रानी के सामने सिर ना झुकाए ऐसा कोई मर्द नहीं है, और आज नहीं तो कल तुम भी मेरी ब्यूटी पर फिदा होकर रानी
मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। ऐसा कहकर मेरे सामने प्यार की भीख मांगोगे? इट्स माय चैलेंज। व्हाट एन इमेजिनेशन। लड़कियों में कोलेस्ट्रॉल होता है ये तो पता था, लेकिन पार्ट पार्ट में कोलेस्ट्रॉल होता है ये तुम्हें देखकर पता चल रहा है। चार पांच बेवकूफ लड़कों के सपने में आ गई, इसलिए क्या तुम खुद को प्रिंसेस डायना, क्वीन एलिजाबेथ, सैमंथा फॉक्स समझती हो? आफ्टर ऑल पिन कोड के साथ एड्रेस बताने वाली तुम्हें इतने इमेजिनेशन हो सकते हैं, तो लंदन में बड़ा हुआ मैं, मेरे कितने इमेजिनेशन हो सकते हैं? क्या बोला तुमने? तुम्हारी ब्यूटी से आउट होकर तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगा, यही कहा ना तुमने? इसके उल्टा तुम मेरे पीछे घूमोगी। राजा मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल जी नहीं पाऊंगी, अगर ऐसा तुम्हारे मुंह से नहीं कहलवाया तो मेरा नाम भी राजा नहीं। एंड दैट्स अ चैलेंज। मामा, मम्मी हमेशा अपनी बेटी के स्वयंवर के बारे में ही सोचती है, लेकिन इस घर का वारिस तो मैं भी हूँ ना, वंश आगे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन मेरी शादी के बारे में आज तक कभी नहीं सोचा। भांजे, अगर तू भी लड़की पैदा होता ना तो इससे भी अच्छे तरीके से तेरी शादी करवा दी जाती, पता है? मैं क्या करूँ यदि मैं लड़का हूँ तो? अभी भी समय गया नहीं है, एक काम कर, फौरन जा और जाके ऑपरेशन करवा। कैसा ऑपरेशन? जेंडर चेंज। उस पर पैसा क्यों खर्च करना? सुना क्या बोल रही है? देखो भैया, जरा इसका हुलिया तो देखो, अगर इसे कोई देखेगा तो कोई कहेगा क्या कि ये मालिनी देवी का बेटा है? कूली की तरह दिखता है ये, बिल्कुल अपनी बाप की तरह। अगर मुझे पढ़ाते तो मैं डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अब्दुल कलाम जी के लेवल तक पहुंच जाता। हांजे मत बोल, थोड़ा लेवल कम कर दे। तुझे अगर फौरन ले जाके पढ़ाया भी जाए तो भी तू बड़ा लॉयर या साइंटिस्ट जैसा बिल्कुल नहीं दिखने वाला। फिर कैसा दिखूंगा? अरे तू दिखेगा एकदम इंग्लिश मीडियम की सड़ी हुई चप्पल। तूने सिनेमा हॉल के बाहर कभी किसी सोडा बेचने वाले को देखा? वैसा दिखेगा। मामा आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। है, कौन मैं? बिल्कुल सच बोल रहे हैं वो। अगर सुना, मेरा वंश आगे बढ़ाएगी, मेरा नाम रोशन करेगी, वो मेरी बेटी रानी है। क्या पर्सनालिटी है उसकी, कितनी ग्लैमरस है वो, क्या लेवल है उसका। देखा, वो मेरी बहन की जीरोक्स कॉपी है। जब ब्रह्मा अच्छे मूड में थे तब उन्होंने उसे रचा था। पर आपको इस तरह नमूना क्यों पैदा किया? क्यों रे, मेरे अंदर क्या कमी है? बोल क्या कमी है? सब कुछ कम है। ब्रह्मा जी ने जब अपनी बीवी से झगड़ा किया होगा, उसके पास जो आसपास की मिट्टी बची होगी उसे तुमको बनाया होगा। हाँ जी, हाँ। मेरी वीकनेस क्या है मुझे अच्छी तरह से पता है, और इसकी वजह से ही मैंने शादी नहीं की आज तक, कि मैं मेरी लाइफ को सेक्रीफाइस करके अपनी बहन के लिए और अपनी बहन के बच्चे रानी और तुझे पाल पोस कर बड़ा कर दूं। और ठीक वैसे ही तुझे भी रानी की शादी के बाद उसके बच्चों का लालन पालन करना है, उसकी चाकरी करनी है और उसके साथ रहकर अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी है। हिस्ट्री रिपीट। मतलब मरते दम तक मुझे ये काम करना पड़ेगा? इससे अच्छा काम तुझे और कहाँ मिलेगा रे। क्या लग रही है यार? आहा, अरे उसके होंठ देख, संतरे की तरह, गाल कश्मीरी एप्पल की तरह। मन तो यही कर रहा है कि काट के खा जाओ यार, मजा आ जाएगा, कितना मीठा होगा कसम से। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। एक्सक्यूज मी, कैसे इंसान हो तुम? रोमांस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर। किसी खूबसूरत फूल को देखकर लोग तारीफ करते हैं, वाह कितना खूबसूरत फूल है। एक ब्यूटीफुल पेंटिंग को देखकर लोग कहते हैं, वाह कितनी सुंदर पेंटिंग है। और यहाँ के सारे लड़के मुझे देखकर कहते हैं, वाह क्या गजब की खूबसूरती है। अगर ये मेरे हाथ लग गई ना तो इसे जिंदगी पर बैठा कर प्यार ही करता रहूंगा। अगर इसने हाँ कह दिया तो इसके घर का वॉचमैन बनकर ही रह लूंगा। पता है यहाँ के सारे लड़के मरते हैं मुझ पर। एक लड़की को और क्या चाहिए कि लड़के उस पर जान लुटा दें। अगर ये तारीफ कर रहे हैं तो बताओ इसमें गलती क्या है? असली मर्द तारीफ करते हैं और ताकत वाले जलते हैं क्योंकि उनके पास दिल नहीं होता। अच्छा खासा मजा ले रही थी, सब कुछ खराब कर दिया। टेस्टलेस फेलो। हाय बॉय, देखो तुम जैसे खूबसूरती की कद्र करने वाले लोगों को अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो इस खूबसूरती का क्या फायदा? तो तुम्हें जहाँ जहाँ चोट लगी होगी मैं वहाँ किस करूँगी, लेकिन मुझे टच किए बिना ही लेना होगा।
ये लोग क्या किस करेंगे बेचारे, आधे हैंडीकैप हो चुके हैं। मैं करूंगा किस बिना टच किए। Nobody can touch me. I can touch you. Impossible. Everything is possible to me. Hey. फुटपाथ पर बहुत सारी हीरोइंस की फोटोज बिकती हैं। उसे खरीदकर किस कर लोगे तो हो जाएगा। वो और ये सिर्फ फोटोज हैं। मैं नहीं हूँ। Nobody can touch me. That is Rani. ओहो, ऐसा है क्या? Just wait and watch. देखो कि कौन किसे टच करेगा। इन्होंने कहा था nobody can touch me और अभी तो यही टच कर रही है। ये सब क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं कुछ भी करूं तुम्हें इससे क्या मतलब? ये मेरी फोटो है। सिर्फ फोटो ही तो है ना, तुम तो नहीं हो ना। Why do you bother? Come on boys. Stop it. No. तो फिर हार मान लोगी क्या? No. Come on guys. Stop it. Okay. Just stop it. So you're lost. वो कुछ तो कहा था ना कि टच करोगे तो कुछ तो दोगी। दे दो। अरे दो ठीक है। चलो ओके। कम ऑन, लुक स्ट्रेट, कम ऑन नजदीक आओ, ऊपर। यू आर कमिंग। या पता नहीं पर आज मूड नहीं है। मूड बनेगा तो मांग लूंगा। ओके बॉयज यू कैन गो नाउ। चलो भाई, आज कंप्यूटर के जरिए तुम्हारे कपड़े उतारे, कल तुमसे खुद तुम्हारे हाथों से तुम्हारे कपड़े उतरवाऊंगा। बाद में बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। कम ऑन बॉयज।